हेलो फ्रेंड्स, आज चलिए आपको मैं अपने तरीके से बेसन की सब्जी बनाकर दिखाती हूँ, जिसे आप अपने घर पर ट्राई करना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बेसन ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 5 स्पून 5 to 6 स्पून बेसन में थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी हल्दी, थोड़ी चिली फ्लेक्स डालकर और इसमें अजवाइन थोड़ा डालेंगे। और अब हम इसकी घोल तैयार करेंगे। घोल बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली घोल फिर इसकी मुश्किल हो जाएगी इसको बनाने में। सेम हिसाब से इसके घोल तैयार करेंगे और अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रह जाए। कढ़ाई चलाते इसके लिए मैंने बड़ा कढ़ाई लिया है क्योंकि इसको घोल को चलाने में ठीक होता है। हमने बड़ा कढ़ाई, हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया। आप चाहो तो कोई भी ऑयल ले सकते हो, पर बेसन के आइटम में मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम इसे थोड़ा हीट हो, जब तक हमारा उधर ऑयल हीट हो रहा है, हम एक थाली में ऑयल से ग्रीस करके इसे रख लेंगे। इसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। यहाँ पूरी तरीके से हीट हो गया है। अब हम ये घोल इसमें डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। इसे हमें चलाते रहना है ताकि ये पकड़े नहीं। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन अच्छे खाने के लिए थोड़ी मेहनत भी ज़रूरी होती है ना। गाढ़ा हो चुका है घोल को, हमने चलाते रहना है और गाढ़ा कर लेना है। अब इसे हमें ग्रीस की हुई थाली जो हमने बनाई है उस पर इसे पलट देंगे। अपने हाथ को पानी में डिप करके ताकि गर्म ना लगे, इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे। आप चाहे तो किसी चीज़ से भी आप इसे प्रेस करके कर सकते हैं। इसे हमने फ्लैट कर दिया है। अब इसे हम 10 मिनट ठंडा होने छोड़ देंगे। अगर आप फैन के नीचे दे देते हैं तो 5 मिनट में भी ये ठंडी हो जाएगी। इसे देख लेना है कि अच्छे तरीके से हमारा बेसन ठंडा हो रहा है। हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक फुल लहसुन का कली निकाल लिया है, इसे छील कर। यहाँ पर देखिए मैंने कम से कम 4 चम्मच पीला सरसों लिया है और यहाँ पर हम 2 इस साइज के टमाटर लेंगे। इसे हम काट लेंगे। देखिए यहाँ हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब ये हमारा बेसन यहाँ पर ठंडा हो गया है, इसको पहले हम पीस में कट कर लेंगे। बेसन की बनी हुई बर्फी को फ्राई करते हैं। हमने यहाँ पर एक अलग कढ़ाई लिया है, इसे हम यहाँ हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल की मात्रा हम थोड़ा अच्छी लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फ्राई करना है, तो जैसे लोग फ्राई करने के लिए लेते हैं दोस्तों, बस वैसे ही हमें ऑयल यहाँ पर डालना है। तेल हीट हो गया है, यहाँ पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा शेप तैयार हो गया है। इसे थोड़ा बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस एक रेड लेयर आ जाए हम इसे निकाल लेंगे फिर, नहीं तो ये ग्रेवी में जाकर फिर ये टूटने लगेंगे। थोड़ा इसे अच्छे से ये देखिए हम इसे निकाल लेंगे। अब
तरीके से अच्छे से निकाल लेंगे। और अब हम दूसरी बार डालेंगे हम सारी बर्फी को फ्राई कर लेंगे। सारा बेसन का बर्फी फ्राई कर लिया है। अब ये जो बचे हुए तेल हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा तेल हो तो उसे निकाल ले, अगर बस देख लेना है कि ज़्यादा तेल ना हो। यहाँ पर हम सूखी लाल मिर्च डालेंगे, एक तेज़पत्ता डालेंगे और यहाँ पर फ़ौरन में हम मस्टर्ड और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसे हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं होता है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। आप ऐसा लगेगा वेजिटेरियन लोगों के लिए ये एक फिश का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। बहुत ही अच्छी सब्जी है, आप मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करना। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी धनिया पाउडर, आप ना चाहो तो ना भी यूज़ करो। यहाँ पर रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए, जो इसके कलर को निखारेगा। और अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर थोड़ा इसमें रह गया था, इसे भी हम अच्छी तरीके से इसमें से निकाल लेंगे। हमारा मसाला पूरा अच्छी तरह से तेल छोड़ चुका है, देख लीजिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें इतना डालना है कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी नहीं। बेसन की सब्ज़ी में गाढ़ी ग्रेवी अच्छी नहीं लगती दोस्तों। तो थोड़ा इसके उबाल आने तक और ये जितना ये पकौड़ा हमारा सोक करेगा उस अकॉर्डिंग हमें इसमें पानी डालना है। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। हमारा उबाल आ गया है, अब हम इसमें धीरे धीरे सारे ग्रेवी हमारी तैयार थी। अब इसे हम इसमें डालकर दो चार मिनट और थोड़ा उबाल आने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से उसमें सोक कर ले। अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा गरम मसाला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए गरम मसाला पाउडर डाला है। एक दो मिनट इसे पकाएंगे। ये हमारा बेसन का सब्जी तैयार है। अब हम गैस ऑफ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बेसन का सब्जी तैयार है। आप चाहे तो इसे पराठे के साथ, राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये हमारी बेसन की सब्जी तैयार है, आप इसे ट्राई ज़रूर करना और लाइक शेयर करना ना भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।